हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेन फरवरी एग्जामिनेशन के बारे में, ड्रेस कोड के बारे में बात करेंगे कि कौन सा ड्रेस आपको पहन के जाना है एग्जामिनेशन में, क्या ड्रेस कोड है, किन किन चीज़ों को पहन के जाना है और किन चीज़ों को लेके नहीं जाना है, तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में वीडियो होने वाला है। आप सभी को बता दूँ, एनटीए ने ऐसा स्पेसिफिकली कुछ नहीं कहा है ड्रेस कोड के बारे में, लेकिन कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिसको अलाउ नहीं किए गए हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस की अपडेट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर सर्च कर लो @PallavasuFilms। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि NTA है, उन्होंने जेईई मेन फरवरी एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड को रिलीज कर दिया, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। NTA ने कोई भी ड्रेस कोड नहीं बताया, लेकिन कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिसको अलाउ नहीं किए गए जो आपके ड्रेस में होंगे। तो मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स को उन कपड़ों को पहन के नहीं जाना है जिसमें मेटालिक आइटम लगे होंगे, इनसे उनको प्रॉब्लम हो सकती है, उनको एग्जामिनेशन देने समय नहीं अंदर जाने दिया जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आप टोपी पहनते हो या फिर मफलर पहनते हो या किसी भी प्रकार से अपने हेड को कवर करते हो तो उस चीज़ों को नहीं करना है आपको। देन उसके बाद आपको लाइट वेट कंफर्टेबल क्लोथ पहन के जाना है ताकि आपको एग्जामिनेशन देने में ईजी हो। इसके अलावा अगर आप ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स या फिर रिंग पहनते हो तो उसको भी पहन के नहीं जाना है, आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा अगर आप गॉगल्स, रिंग, ब्रेसलेट्स इन सभी चीज़ों को पहनते हो तो घर पे ही रख देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन सेंटर पे उतारने के लिए कहा जाएगा, अगर इधर उधर हो गया तो घूम सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। जो बच्चे पावर वाले चश्मा पहनते हैं वो चश्मा पहन के जा सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो उनको स्टोल, दुपट्टा या फिर स्कार्फ पहन के नहीं जाना है, और किसी भी तरह के ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स नहीं पहन के जाना है, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स पहनती है तो आपको इन सभी चीज़ों को अपने घर पे ही उतार लेना है। इसके अलावा अगर आप मेटालिक आइटम आपके क्लॉथ में लगा हुआ है, कोई भी मेटल है जो आपके क्लॉथ में लगा हुआ है, बटन हेवी है, मोटा बटन है जिसमें मेटल है, तो उस कपड़े को आपको पहन के नहीं जाना है। आपको भी लाइट वेट कंफर्टेबल क्लोथ पहन के जाना है ताकि आपको एग्जामिनेशन देने में इजी हो। इसके अलावा गॉगल्स, रिंग, ब्रेसलेट इस सभी आइटम को अवॉइड करना एग्जामिनेशन देने समय, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको उतारने के लिए कहा जाएगा, अगर उतारने के लिए कहा जाएगा तो आप रखोगे कहाँ, इस बात का भी आप ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो कैरी नहीं करनी है, मेटालिक ऑब्जेक्ट तो कोई भी कैरी नहीं करना है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉच, मोबाइल, इन सभी चीज़ों को कैरी नहीं करना, अपने घर पे ही छोड़ देना। जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनको वो करा और कृपान पहनते हैं तो वो एग्जामिनेशन सेंटर पे आधा घंटा पहले पहुंच जाए, क्योंकि उनके लिए रिलीजियस की बात है तो उनके लिए कोई बात नहीं है। इसके अलावा आप एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको बताना होगा, वहाँ पे आपको अपना हेड टोपी से या फिर दुपट्टा से ढक के नहीं रखना है, इस बात का भी आप ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ड्रेस कोड। कुछ और आइटम्स जो अलाउ नहीं होंगे जैसे कि आपका हैंड बैग, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, तो ये सभी चीज़ें अलाउ नहीं की जाएगी। COVID-19 का सिचुएशन है और काफ़ी ज़्यादा एडवाइजरी और सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो आपको मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर इन तीनों चीज़ों को तो लेके जाना ही है। और जो भी कैंडिडेट्स अगर पानी का बोतल लेके जाना चाहते हैं तो वो भी कैरी कर सकते हैं, साथ में फूड आइटम भी कैरी कर सकते हैं। जो भी डायबिटिक कैंडिडेट है अगर कोई, तो वो अपना मेडिसिन और कुछ फूड आइटम जो कि पैकेट बंद नहीं होना चाहिए, खुला होना चाहिए, वो लेके अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे अपने एंट्री टाइम, रिपोर्टिंग टाइम पे ही विजिट करना है, तो इस बात का ध्यान रखना, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन जरूर से करना और सेफ्टी का ध्यान रखना। जैसा कि देख सकते हो, डायबिटिक कैंडिडेट्स के लिए जो खाने पीने की चीज़ है वो लेके जा सकते हो, जैसे कि फ्रूट्स, ग्लूकोज, इन सभी चीज़ों को लेके जा सकते हो, और आपका पानी का बोतल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और अपना एडमिट कार्ड और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और एक आईडी प्रूफ वो भी लेके जाना है आपको, जो कि इम्पॉर्टेंट है। दो वीडियो मैंने बनाया है, एक तो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म कि किस तरह से उसको फिलअप करना है उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है, और दूसरा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने एग्जामिनेशन सेंटर पे, इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आई बटन में भी होगा, आप देख सकते हो, इसमें मैंने सारी बातें क्लियर की है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।